12वीं के बाद में जो प्रवेश प्रक्रिया है इंजीनियरिंग मेडिकल फार्मेसी के लिए कि वहाँ पर होती है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो रिजल्ट के बाद हमारे पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, लेकिन हमें रिजल्ट्स के बाद में टाइम नहीं मिलता है और हम लोग वहाँ पर जो जल्दबाजी होती है उसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, वो ना हो इसलिए दोस्तों ये जो आपकी एग्जाम के बाद की जो छुट्टी है उसी में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं कि जो आपको ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है जो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में की जाती है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अपने पास होना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ स्टूडेंट्स MHT CET की एग्जाम देते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर JEE की एग्जाम देते हैं। दोस्तों MHT CET हो या JEE हो, इन दोनों का जो आपका स्कोर कार्ड है दोनों में से एक, अगर दोनों एग्जाम आपने दिए रहेगी तो अच्छा ही है, तो फिर दोनों का स्कोर कार्ड अपने पास होना ज़रूरी है। अगर आपने एक एग्जाम दी है MHT CET तो उसका स्कोर कार्ड, या फिर JEE की एग्जाम दी होगी तो उसका स्कोर कार्ड, वो वहाँ पर अपलोड करना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इन दोनों का जो स्कोर कार्ड का ऑनलाइन का जो प्रिंट होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है, तो जो आपको रिजल्ट के समय आपको मिलेगा। इसके बाद में जो लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने के बाद में हम लोगों को वहाँ पर एक लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपने पास होना ज़रूरी है, जो आपको जहाँ से आपने ट्वेल्थ, जिस कॉलेज से आपने ट्वेल्थ कम्प्लीट किया है वहाँ पर आपको ये लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद में होता है दोस्तों SSC का मार्कशीट, 10वीं का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसी के साथ SSC का बोर्ड सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाता है 10वीं के बाद वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद होता है दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है जैसे कि TFWS ट्यूशन फी वेवर स्कीम जैसी कुछ वहाँ पर स्कीम्स होती है, स्कॉलरशिप का EBC का एक स्कीम होता है, उसके लिए अपने पास इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बना के लेना है। इसके साथ दोस्तों जो बंदे कास्ट में आते हैं अदर देन ओपन जैसे कि OBC HBC SC ST VJNT, इन सभी को सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट। सभी के पास अदर देन ओपन सभी के पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन जब आप लेते हो तभी आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना होता है, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अदर देन ओपन सभी कास्ट के लिए लगता है वो होता है कास्ट वैलिडिटी, ये भी सभी के पास होना ज़रूरी है। ओपन के सिवा सभी कास्ट को OBC हो SBC हो NT हो VJ हो SC ST सभी को अपना कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी बना के लेना है। इसके बाद और एक डॉक्यूमेंट जो है नॉन क्रिमिनियर सर्टिफिकेट। दोस्तों ओपन SC और ST इनको छोड़ के मतलब OBC SBC VJNT इन सभी को ये नॉन क्रिमिनियर का डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, तो ये नॉन क्रिमिनियर का सर्टिफिकेट आपको बनाना है। दोस्तों मैं बार बार ये डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास वहाँ पर नहीं होते तो आपकी जो फीस है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि आप फिर ओपन में वहाँ पर कंसिडर किए जाओगे या फिर आपको आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें तकलीफ जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से हमको गवर्नमेंट ऑफिसेस से ये डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को लेने रहते हैं। जब भी आपका रिजल्ट लगता है उसके बाद वहाँ पर भीड़ भी बहुत संख्या में होती है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अभी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल, जिसको हम लोग राष्ट्रीयत्व कहते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। सभी कास्ट के लिए नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी आप प्रिपेयर करके रखिए। इसके बाद अगर आपको 12th के बाद आपने गैप लिया रहेगा, कुछ कुछ स्टूडेंट्स 12th के बाद अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए फिर से गैप लेके फिर से ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एक साल घर पे रहते हैं, उनके पास ये गैप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।
अगर आपने गैप नहीं लिया है तो गैप सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अपना आधार कार्ड होना भी जरूरी है। ये आधार कार्ड भी अपने पास होना चाहिए। और अभी रिसेंटली ये आधार कार्ड जो है अपने मोबाइल नंबर के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। तो आपका आधार कार्ड भी आपको बना के लेना है जो आपके पास आपके मोबाइल के साथ अटैच हो। तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट। फिर से एक बार मैं आपको पूरी लिस्ट बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट MHC CET या फिर JEE का जो सर्टिफिकेट है उसका जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना जरूरी है। लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, नेशनलिटी एंड डोमासाइल। इफ गैप इज देयर देन गैप सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, नेशनलिटी, डोमासाइल, ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। आप भी ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स बताइए ताकि जो ये एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों एडमिशन्स के जो स्टेप्स है कि जो कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए रन किए जाते हैं, वो स्टेप्स मैं आपको जो हमारा अगला एपिसोड होगा उसमें बताऊंगा। तब तक आप ये पूरी जानकारी आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए जो बेल का बटन है उसको प्रेस कीजिए और ये सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखिए। धन्यवाद। आपले चैनल न्यूज अंडे सब्सक्राइब केलं का? केलं नसेल तर लाइक करा, सब्सक्राइब करा व बेल आयकॉन वर क्लिक करून आमचे ताजे अपडेट्स मिळवा। धन्यवाद।